नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, एमबीबीएस एमडी एंड डीएम फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो हमारे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर्स और नए विजिटर्स दोनों को इस वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो का शीर्षक है स्टेज फोर यानी चौथे स्टेज के ब्रेस्ट कैंसर के लेटेस्ट 2019 के लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स। तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में यदि हम बात करें तो चौथे स्टेज में यदि हम कुछ ही साल पीछे जाए तो हम ये देखेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर में बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं होती थी। मेनली स्टेज को ब्रेस्ट कैंसर का इलाज समय कीमोथेरेपी से होता था। कीमोथेरेपी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम कीमोथेरेपी की है, एक इसका असर यूजली शॉर्ट लास्टिंग होता है यानी कुछ टाइम के लिए बीमारी कंट्रोल भी हो जाती है तो उसके बाद बीमारी फिर से बढ़ने लग जाती है, और नंबर दो जनरली कीमोथेरेपी के अनोइंग साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि पेशेंट अवॉइड करना पसंद करते हैं। तो इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से बहुत सारे रिसर्च का फोकस ये रहा है कि किस तरह से ब्रेस्ट कैंसर को और बेहतर और बेटर तरीके से ट्रीट किया जाए बिना कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स के, जिसका रिजल्ट है ये वेरियस इलाज जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। इन सभी इलाज की कॉमन चीज ये है कि इन सबके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं, इनको यूज करना बहुत ही ईजी होता है, और जनरली बीमारी इनसे काफी बेटर और काफी लंबे समय तक कंट्रोल की जा सकती है और ट्रीट की जा सकती है। परंतु इंपॉर्टेंट चीज सबसे ज्यादा ये है कि हर इलाज हर पेशेंट में काम नहीं करेगा। इट इज इंपॉर्टेंट कि सही पेशेंट में सही इलाज यूज किया जाए ताकि बीमारी को मिनिमम साइड इफेक्ट से मैक्सिमम टाइम तक अच्छी तरह ट्रीट किया जा सके। तो सबसे पहला इलाज जिसकी हम बात करेंगे वो है हार्मोन थेरेपी। तो कई लोग ये जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर एक हार्मोनल ट्यूमर होता है यानी कि बॉडी के हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में कैंसर बढ़ सकता है या कम हो सकता है। तो चूंकि बॉडी के हार्मोन्स का इफेक्ट ट्यूमर पे होता है, बॉडी के हार्मोनल सिस्टम को हम दवाइयों से मैनिपुलेट कर सकते हैं ताकि ट्यूमर को कंट्रोल और खत्म किया जा सके, और इसी ट्रीटमेंट को हार्मोन थेरेपी बोलते हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर के सबसे बेस्ट इलाजों में से एक है क्योंकि इसमें ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते, ये बहुत ही सस्ता इलाज है, बहुत ही लंबे टाइम तक बीमारी कंट्रोल की जा सकती है, और पेशेंट को ये दवाई लेना बड़ा कन्वीनियंट होता है। कई बार सिंपल टैबलेट से भी इलाज ये पॉसिबल है। नंबर दो जिस इलाज की हम बात कर रहे हैं उसको हम कहते हैं सेल साइकिल ब्लॉकर। तो सेल साइकिल से हमारा क्या तात्पर्य है? नॉर्मली जो कैंसर सेल होता है वो नॉर्मल सेल से विभिन्न इसलिए होता है क्योंकि सेल की डिविजन कंट्रोल में नहीं होती, यानी कि एक का दो, दो के चार, चार के आठ, आठ के सोलह, और इसी तरह करोड़ों अरबों सेल बनते हैं जो बॉडी में फैलते हैं। तो जो सेल डिविजन की प्रोसेस है उसको यदि हम ब्लॉक कर सके तो कैंसर सेल का हम ग्रोथ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इन सेल्स को मार सकते हैं। इसी ग्रुप ऑफ ड्रग्स को सेल साइकिल ब्लॉकिंग ड्रग्स बोलते हैं, और देखा गया है कि यदि सही पेशेंट में इन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही ड्रामेटिकली बेटर कैंसर का कंट्रोल मिल सकता है और बहुत लंबे समय तक बीमारी को हम रोक सकते हैं। तीसरी थेरेपी को हम बोलते हैं डीएनए रिपेयर ब्लॉकिंग थेरेपी। तो डीएनए रिपेयर ब्लॉकिंग थेरेपी से हमारा क्या मतलब है? नॉर्मली किसी भी कैंसर में जो सेल होता है उसमें डीएनए डैमेज होता रहता है, तो सेल के अंदर अंदरूनी मशीनरी होती है जो डीएनए डैमेज को रिपेयर कर देती है और सेल को चलते रहने देती है। तो कुछ स्पेशल तरह के ब्रेस्ट कैंसर सेल ऐसे होते हैं जिनमें डीएनए रिपेयर मशीनरी ऑलरेडी खराब होती है, हम कुछ टेस्ट करके इन कैंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि इन स्पेशल कैंसर में हम बाहर से एक दवाई दें जो डीएनए रिपेयर मशीनरी को और भी ज्यादा स्टॉप कर दे तो नेट रिजल्ट ये होगा कि कैंसर सेल के अंदर पहले से मशीन जो थोड़ी सी खराब थी वो बिल्कुल बंद हो जाएगी और इससे कैंसर सेल जिंदा नहीं रह पाएगा और सेल की डेथ हो जाएगी। जबकि नॉर्मल सेल जिनमें डीएनए रिपेयर मशीनरी रिलेटिवली बेटर प्रिजर्व है उनमें इतने साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो इसी को डीएनए रिपेयर ब्लॉकिंग थेरेपी या पीएआरपी इनहिबिशन बोलते हैं, और ये एक नई क्लास ऑफ ड्रग्स है जो ब्रेस्ट कैंसर के सिलेक्टेड टाइप में बहुत ही अच्छा और बहुत ही ड्यूरेबल बेनिफिट दे सकती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये उन्हीं कैंसर सेल्स में अच्छा इफेक्ट देती है जिनमें डीएनए रिपेयर मशीनरी ऑलरेडी खराब हो। नेक्स्ट थेरेपी है इम्यूनोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी के बारे में हमारे चैनल पे अन्य वीडियोस भी अवेलेबल है जिनसे आप इसके बारे में जान सकते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी वो ट्रीटमेंट है जो कैंसर सेल को डायरेक्टली अटैक ना करके बॉडी के इम्यून सिस्टम और कैंसर सेल की इंट्रैक्शन को मॉड्यूलेट करती है। तो नेट रिजल्ट ये होता है कि वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल को पहचानने के काबिल बनाती है और इम्यून सिस्टम उस कैंसर सेल को अटैक करके खत्म कर देता है। ब्रेस्ट कैंसर में इंपॉर्टेंट ये है कि हर पेशेंट में इम्यूनोथेरेपी काम नहीं करती है, जिन पेशेंट में इम्यूनोथेरेपी काम करती है उन्हें बड़ा केयरफुली हमें सेलेक्ट करके सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स को इम्यूनोथेरेपी से ट्रीट करना है
जिन पेशेंट्स में इम्यूनोथेरेपी बेनिफिट देती है उनमें यूजली अच्छा लंबा बेनिफिट बहुत कम साइड इफेक्ट्स के साथ प्रोवाइड करती है। और लास्ट थेरेपी जो मॉडर्न ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में रेवोल्यूशन जारी कर रही है वो है HER2 डायरेक्टेड थेरेपी, जिसको HER2 टारगेटेड थेरेपी भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, करीब 20% ब्रेस्ट कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें एक स्पेशल तरह का प्रोटीन ओवर एक्सप्रेशन ही ज्यादा मात्रा में होते हैं जिसको हम HER2 बोलते हैं। ये कैंसर सेल को बढ़ावा देता है और उसको बढ़ने और फैलने में काबिल बनाता है। तो HER2 डायरेक्टेड टारगेटेड थेरेपी कुछ दवाइयां हैं जिनकी बहुत सारी प्रकार है जो इस पाथवे यानी इस सिस्टम को ब्लॉक कर देती है। चूंकि ये सिस्टम ब्लॉक हो जाता है तो सेल अपना ग्रोथ और स्प्रेड नहीं कर पाता और सेल की डेथ हो जाती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो HER2 पॉजिटिव ट्यूमर है उनमें मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स यूजली HER2 टारगेटेड थेरेपीज ही होती है और कीमोथेरेपी अकेले का बेनिफिट इन ट्रीटमेंट कैंसर्स में काफी लिमिटेड होता है। नई चीज क्या है कि बहुत सारी नई HER2 डायरेक्टेड थेरेपीज आ गई है जो पहले अवेलेबल नहीं थी, और यदि हम इन ट्रीटमेंट सबको इस्तेमाल करके कैंसर सेल पे इस्तेमाल करें तो देखते हैं कि जो पेशेंट पहले बहुत लंबे टाइम नहीं सरकार सर्वाइव कर पाते थे आजकल बहुत ही लंबे टाइम तक डिजीज को अपना कंट्रोल करके कंप्लीटली नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। इनमें से हर एक थेरेपी अपने आप में एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और उसके ऊपर एक वीडियो हम बना सकते हैं, पर इन थेरेपीज के बारे में यदि आप और डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं या आप हमको मैसेज भेज सकते हैं। हमारे स्क्रीन पे हमारे सोशल मीडिया लिंक सिस्टम में डिस्प्लेड है। यदि कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, कोई भी चीज़ समझना चाहते हैं, तो आप हमको इन लिंक्स के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं पर्सनली कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब आपको जल्द से जल्द मिले। हमारे वीडियो का मेन पर्पस हमारी कंट्री के कैंसर पेशेंट्स तक जो वर्ल्ड के लेटेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट्स हैं जो कि हमारी कंट्री में धीरे धीरे एंटर हो रहे हैं या जस्ट न्यूली आए हैं या सिर्फ वेस्ट में हमारी कंट्री में अब तक नहीं पहुंचे हैं, इनके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाना है ताकि हमारे पेशेंट्स को भी वर्ल्ड की बेस्ट ट्रीटमेंट्स का नॉलेज हो और उन तक ये ट्रीटमेंट पहुंच सके। तो यदि आपको कैंसर के कटिंग एज इलाज के टॉपिक में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आपकी अटेंशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।